एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम खड़े हैं नैनीताल में और ये इस टाइम है मल्ली ताल में। और देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। और इस समय पहले से ज़्यादा काफ़ी खुल चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत यहाँ का मेथोडिस्ट चर्च है ये। और ये यहाँ का रोडवेज बस स्टैंड देख सकते हैं। और हमारी साइड मनोज भाई भी आए हैं आज। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो सबको, हेलो नमस्कार बोल दो। नमस्कार सर। मनोज भी आए हैं हमारे साथ। और देखिए आज हमें यहाँ मेडिसिन लेने आना था, तो इस वजह से आज हम नैनीताल आए हैं। सोचा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा दें कैसा है इस समय आज 1 जून को नैनीताल। और यहाँ पे जबकि 8 तारीख तक का कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, हमने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दें। यह है नैनीताल का एकमात्र पेट्रोल पंप जो आपको मल्ली ताल में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपका काला डूंगी मार्ग पे ही पेट्रोल पंप देखने मिल सकता है। झील देखिए, काफ़ी पानी का लेवल बढ़ चुका है। ये यहाँ का टोल है, तो आप नैनीताल एंटर करेंगे तो टोल आपको देना पड़ेगा। और ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड देख सकते हैं। इस समय वॉक कर रहे हैं माल रोड पे नैनीताल के। और देख सकते हैं जून के टाइम में इतना भरा रहता था सीज़न, और इस समय आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वो भी यूटिलिटी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। बाकी सारा झील में बोट्स भी बंद ही पड़ी हैं, देख सकते हैं आप। आज 1 जून है और बाकी पंजाब और यूपी तो खुल चुके हैं 7 बजे तक, लेकिन अभी उत्तराखंड में 5% की दर है कोविड की, तो अभी काफ़ी अभी यहाँ पे पूरी तरह नहीं खोला गया है 1 बजे तक। हालांकि कर्फ्यू 11 बजे तक था, तो 8 से 11 की जगह 8 से 1 बजे तक की छूट दी गई है। देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट पूरी बंद है, एक आधी शॉप ही मुश्किल से खुली हुई है यहाँ पे। ये 1 जून का आपको लाइव स्टेटस बता रहा हूँ कि क्या स्थिति है नैनीताल में। यदि आप आने की सोच रहे हैं या फिर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आपको पूरा अपडेट मिल जाए नैनीताल का। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। एक खूबसूरत सेंट जॉन चर्च, और इसका पूरा ब्लॉग मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, और उसे भी आपको बेहद पसंद आने वाला है। काफ़ी पेड़ों में इतनी हरियाली आ रखी है, 15 तारीख से मानसून भी आ जाएगा। और देख सकते हैं खूबसूरत हो रखा है नैनीताल का व्यू, लेकिन लोगों के लिए मजबूरी है कि वो इस समय नैनीताल नहीं आ सकते, लेकिन बेहद ही खूबसूरत और स्क्रीन भी बेहद ही खूबसूरत हो रखी है। देखिए यहाँ का सबसे फेमस होटल अलका, जो कि 3 स्टार की श्रेणी में आता है। और देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ी है नैनीताल, और बोट्स भी देख सकते हैं आप। और इस समय हम खड़े हैं अलका इन के सामने, जो कि 3 स्टार की श्रेणी में आता है।
नैनीताल की। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए और इस वीडियो को ज़रूर और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी लाइव आए, 1 जून का नज़ारा देख पाए नैनीताल का। ये भी अभी बंद है, देख सकते हैं डोमिनोज भी बंद है। और देख सकते हैं मतलब एक आधी दुकान खुल रही है यहाँ पर। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट टाइम आप कब नैनीताल आए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका, या फिर कोई फ़ोटो हो कोई वीडियो हो तो ज़रूर आप मेरे शेयर कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं। और जिसकी भी नैनीताल की मुझे बेस्ट फ़ोटो या बेस्ट वीडियो दिखेगी उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा और आपको अप्रिशिएट करूँगा और आपका नाम और शाउट आउट दूंगा आपको। तो ज़रूर इंस्टाग्राम आईडी है मेरी खोजी अनुपम @खोजी अनुपम और फेसबुक भी खोजी अनुपम/FB और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये यहाँ की लाइब्रेरी है नैनीताल की। ये भी अभी क्लोज्ड है। यहाँ पे आप बहुत सारे संस्कृत, देवनागरी, उर्दू और इससे जुड़े स्क्रिप्चर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये ठंडी सड़क सामने देख सकते हैं, ऊपर राजभवन। दुकान ही खुल पा रही है यहाँ पे। और ग्रीन लेक का व्यू देखो, बेहद ही खूबसूरत। सामने चाइना पीक है और यहाँ सबसे टॉप पे पीक देख रहे हैं और ये है ग्रैंड। आप याद करिए अपने यहाँ पे कैसी भीड़ रहती थी। आप देखिए चलने के लिए लोग भी नहीं है। देखिए परमेश्वर अपने सृष्टि को फिर से नया करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, तो हमें अपनी प्रकृति का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं मल्लीताल का भी वैसा ही नज़ारा है, लेकिन 1 बजे तक हो गया है तो थोड़ी चहलकदमी है यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह लॉकडाउन है देख सकते हैं। इधर भी पूरी और इधर भी मल्लीताल का बाजार देख सकते हैं आप लोग सब। पूरी मार्केट मल्लीताल की शांत है और लेकिन थोड़े थोड़े यहाँ पे शॉप भी खुली हुई हैं, जैसे रेस्टोरेंट पैकिंग के लिए अलाउड है फूड यहाँ पर देख सकते हैं। यह है अलाहाबाद बैंक वाली रोड। आधी दवाई मिली है आधी नहीं मिली, इसलिए इधर एक मेडिकल है उधर देखते हैं।
बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ का रिक्शा स्टैंड दोस्तों देख सकते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया था वो तल्ली ताल का था, ये मल्ली ताल का रिक्शा स्टैंड है। जैसे 12:30 बज चुका है अब और पूरा सन्नाटा छाने लगा है, क्योंकि 1 बजे तक की छूट है और ऑलमोस्ट हमारा काम भी हो चुका है और एक मेडिसिन नहीं मिली है, तो देखते हैं अगर भवानी में मिल जाए वो तो बताइएगा कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा आज का ब्लॉग, तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जो भी नैनीताल को पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसा है समय नैनीताल का व्यू। खूबसूरत देख सकते हैं आप सब लोग, कोशिश करा मैंने कि पूरा नैनीताल कवर सकूँ, ये कवर कर सकूँ इस वीडियो में, तो कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो देख सकते हैं। ये वो कैंडल शॉप है, कैंडल्स वगैरह मिलती हैं। ये यहाँ का क्लॉक टावर है देख सकते हैं, और मैं कोजी अनुपम आपसे इसी के साथ नैनीताल से विदा कहना चाहूँगा, और आपको शायद ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करिएगा, दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा, और अगर आप विज़िट करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ सलाम नमस्कार और टेक केयर, गुड बाय।